छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बलरामपुर कलेक्टर की पहल पर विलुप्त हो रही रागी फसल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बलरामपुर कलेक्टर के द्वारा जगह और किसानों को चिन्हित कर फसल लगवाई जा रही है। मिलेट मिशन के तहत रागी की फसल को बढ़ावा देने के लिए जिले में 8000 हेक्टेयर बुवाई करने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। वहीं आगामी समय में इसका हर विकास खंड में बुवाई कराने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने जानकारी देते हुए बताया कि धान से ज्यादा इनकम रागी को फसलों में है। रागी की खेती कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में किसान कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहां बताया गया है कि इसका रागी की खेती कीजिए मिलेट योजना के मिशन के अंतर्गत, जिसमें ये शुगर युक्त हैं और पहले भी बाबा दादा लोग खेती करते थे जिससे खा के सेहतमंद होते थे। और अभी में इसका रेट अभी बीज निगम में शायद बताया गया हम लोगों को कि 50 से 55 रुपए बिकेगी और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा 35 रुपए लगभग बिक रहा। कृषि विस्तार अधिकारी लोग यही आकर बताया कि इसका खेती किया जाए और इससे अधिक मुनाफा होगा और पहले से हम लोग इसको कर रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिए थे, इसलिए अभी में जो कि फिर से खेतीबाड़ी कर रहे हैं इसका। डॉक्टर साहब खेती साहब को बताए थे, खेती साहब ने हम लोग को बताया, फिर हम लोग करने के लिए इच्छुक हुए। पहले कमाते थे दादा परदादा, इसलिए हम लोग भी सोचे कि कमाते हैं और खाकर देखते हैं, बेच के देखते हैं, बताते हैं कि भाई महंगा भी बिकता है, इसलिए हम लोग भी सोचे कि कमाएं इसको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मिलेट मिशन जो है पूरे प्रदेश में लागू है, वो बलरामपुर जिले में भी लागू किया गया है। किसानों से बातचीत हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं फसलों के संबंध में। अभी जो मिलेट्स को लेकर यानी रागी जैसे फसलों को ध्यान में रखते हुए अभी जो बुवाई का सीजन भी है, तो हम लोग जिले के अंतर्गत 8000 हेक्टेयर का लक्ष्य लेके उधर आगे चल रहे हैं। कोशिश यही किया जा रहा है कि सब प्रत्येक ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिले, क्योंकि जिस तरीके से धान में हम लोग MSP में धान खरीदी होती है उसी तरीके से रागी में भी MSP में धान खरीदी करने का प्रावधान है, बल्कि धान से ज्यादा फायदा हमको इसमें दिखता है। 3,580 रुपए का प्रति क्विंटल खरीदी होगी वन विभाग के समितियों के द्वारा। तो आपके माध्यम के द्वारा भी मैं किसानों को अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है सामने आए, अपनी जो भूमि पड़त छोड़ने से अच्छा अभी समय रहते रहते हुए धान के जो खेत जो है उसके नमी के कारण ही अपना रागी का फसल बन जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा किसान